नमस्कार दोस्तों, मैं टी गर्ग जोहार रेडू कैंपस पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत खुशियों का दिन है। इसलिए खुशियों का दिन है कि आज का जो ये क्लास है वो टोटली इंटरव्यू पे बेस्ड है, साक्षात्कार पर बेस्ड है। जैसा आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे आप लोग कि 7th जेपीएससी साक्षात्कार का यह क्लास चल रहा है। इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार सेक्शन वाइज आपको जोहार एडू कैंपस के द्वारा सेक्शनल तरीके से आपको कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक कक्षाएं, एक क्लास 100% जो है वो इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए बेस्ड है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो है उस चरण में है जहां पर हर बच्चा जाना चाहता है। जो भी 7th जेपीएससी मेंस दिए हैं उन सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ मैं अपने क्लास को शुरू करता हूं और इस आशा के साथ कि एक क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका आज का ये क्लास है जो इतिहास से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावित क्वेश्चन। ये मैं नहीं कहता कि एग्जैक्ट हमारा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, संभावित क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जितने प्रकार से बन सकते हैं, उसको मैं आज आपके सामने डिस्कशन करूंगा। इस क्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि मैं प्रयास करूंगा कि आपको सूझबूझ विकसित करने के लिए एक अप्रोच दे दूं कि किस तरह से इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं और इसके आधार पर अन्य सेक्शन को और इतिहास के अन्य क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो यह क्लास आपके लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन है और अगर आपका लक रहा और मेरा सही पढ़ाई रहा तो इसमें से कुछ एज इट इज क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रयास करके एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पर मैं आपको एक क्लास उपलब्ध करा रहा हूं। आइए देखते हैं कि किस तरह से हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जिसमें मेरे एकेडमिक और मेरे इंटरव्यू देने का तजुर्बा भी शामिल है इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, तो ये साक्षात्कार का क्लास है। इसका बढ़ता कैसे है यार? अच्छा हाँ भूल गए थे। ठीक, छोड़ दीजिए। देखिए, इतिहास का जो क्वेश्चन है, इतिहास का ये जो क्वेश्चन है वो चार प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अमूमन अभी तक जो यूपीएससी में और अन्य स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं कैटेगराइज किया हूं और उसके आधार पर चार प्रकार से क्वेश्चन चार खंड में आपके बनाकर मैं दे रहा हूं या जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है इतिहास लेखन से संबंधित। इतिहास का सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो इतिहास लेखन से हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, दूसरा है इतिहास से संबंधित सामान्य प्रश्न। देखिए, ये एक सामान्य प्रश्न होता है जो पूछा ही जाता है जीएस के बच्चों से, खास करके वो पूछा ही जाता है। तीसरा है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जिसको हिंदी में परिकल्पनात्मक कहते हैं। देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का इतिहास में स्कोप बहुत कम है, लेकिन फिर भी अब क्या है कि ट्रेंड आ चुका है और ये ट्रेंड यूपीएससी के द्वारा लाया गया है। यूपीएससी हाल फिलहाल से मैं देख रहा हूं कि मेंस में और इंटरव्यू में लगातार पूछ रही है। ऐसी स्थिति में आपसे झारखंड में भी क्वेश्चन हाइपोथेटिकल कुछ पूछे जा सकते हैं, परिकल्पनात्मक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा पुराना कहावत है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में देवरानी जेठानी का संबंध होता है। जो यूपीएससी करती है उसका फॉलो स्टेट पीसीएस करता ही करता है। इस तरह से ये जो है यहां पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे जाने के जो है चांस बढ़ जाते हैं। चौथा है जो सबसे स्पेशल है वो है कि झारखंड से संबंधित इतिहास के प्रश्न। ठीक है, प्रश्न जो है वो झारखंड से संबंधित। अब देखिए, क्योंकि आप झारखंड के सामान्य ज्ञान का परीक्षा को पास करके यहां तक पहुंच रहे हैं, तो सामान्य जो झारखंड का इतिहास है जो आपके सिलेबस में रहा है पीटी और मेंस के स्तर पर, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो चार सेक्शन है आपके सामने। एक है हिस्टोग्राफी से संबंधित, इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न। दूसरा है इतिहास के कुछ सामान्य प्रश्न और तीसरा है हाइपोथेटिकल परिकल्पनात्मक और चौथा है झारखंड से संबंधित स्पेशल प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। अब देखिए,
अब यहां पर क्या अप्रोच होना चाहिए आपका वो मैं बता दे रहा हूं। तो पहली बात तो जो लड़के जो बच्चे अगर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रखे हुए हैं या ग्रेजुएट है पीजी है नेट जीआरएफ है उनसे तो चारों में गहराई से क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पर उनको यहां से ज्यादा क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा अगर उनका बैकग्राउंड है तो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड नहीं होगा लेकिन सामान्य ज्ञान के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा यहां से उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे या कुछ यहां से भी उठाए जाएंगे। लेकिन यहां और यहां झारखंड और इतिहास से संबंधित कुछ जो जनरल क्वेश्चन होते हैं जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। तो यहां पर इस अप्रोच को लेकर आपको चलना होगा। ठीक, अब है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर कलेक्ट किया हूं हर सेक्शन का। ठीक है, हर सेक्शन का क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके 10-20 आपको उदाहरण के तौर पर रख रहा हूं और उसका आंसर क्या हो सकता है मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन और आंसर किस तरह से जवाब देना है सामने वाले को एग्जामिनर को उसको अप्रोच लेते हुए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न। प्रश्न है इतिहास लेखन के स्कूल। ठीक है, इतिहास लेखन के स्कूल स्कूल समझते हैं आप लोग। विचारधारा के आधार पर भारत में चार प्रकार के इतिहास लेखन किया जाता है। चार यही पूछा जाएगा कि कितने प्रकार से। तो सामान्य रूप से स्पेशल नहीं सामान्यतया चार प्रकार के स्कूल पाए जाते हैं। आपको बताना है सब चार। फिर वो पूछेगा कौन कौन है अगला क्वेश्चन तुरंत होगा। और इंटरव्यू का एक महत्वपूर्ण अप्रोच होता है कि आप जो तेज स्टूडेंट होता है आप वहीं पर ले जाकर अपने बात को खत्म करिए जहां से आपके अनुकूल फिर क्वेश्चन उठ जाए। जो चाहे कि यही क्वेश्चन उठे तो यही उठे, ये अप्रोच आपका होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अनुसार ये है। तो इतिहास लेखन के चार स्कूल हैं। ठीक है, कितने 4। इस चार स्कूल में कौन कौन से अगला सवाल आपसे होगा। तो पहला तो आप बताएंगे कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। कौन? साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। दूसरा उसके प्रतिक्रिया में जो भारत में आया वो दूसरा आया राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है मार्क्सवादी इतिहास लेखन। और चौथा जो भारत में चल रहा है हाल फिलहाल में बहुत लोकप्रियता भी प्राप्त किया है उसको बोलते हैं सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, जो है सबाल्टर्न इतिहास लेखन। इसमें से चौथा जो है सबाल्टर्न जो है जिसको जनवादी इतिहास लेखन भी कहा जाता है जिसको उपापश्रयी इतिहास लेखन भी कहा जाता है वो पूछा जा सकता है। क्या है जनवादी इतिहास लेखन? क्या है ये भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जनवादी इतिहास लेखन वह इतिहास लेखन है जिसमें जन सामान्य को ध्यान में रखकर, जन सामान्य से तात्पर्य है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मजदूर श्रमिक किसान इत्यादि को ध्यान में रखकर उनको केंद्र में रखकर इतिहास का लेखन करना जनवादी इतिहास लेखन है। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कुछ इतिहासकार का नाम बता दीजिए जो जनवादी हैं जो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी से संबंधित हैं जो इस पे काम किए हैं तो आप उनका नाम भी बता दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है संभावित क्वेश्चन में। तो रामचंद्र गुहा हैं, शाहिद अमीन हैं, ज्ञान पांडे हैं, यनके चंद्रा हैं, ये लोग सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी के सबाल्टर्न इतिहास लेखन के इतिहासकार हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है कि इतिहास की वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की वस्तुनिष्ठता क्या है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इतिहास की वस्तुनिष्ठता वह अवधारणा है जिसमें बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रसित हुए, ध्यान से समझना कि बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रसित हुए इतिहास का लेखन करना ही इतिहास की वस्तुनिष्ठता है। ठीक है, देखिए इतिहास की वस्तुनिष्ठता, फिर अगला सवाल होगा क्या यह वस्तुनिष्ठता संभव है। तो आप कहेंगे कि सर मानव इतिहास में संभव तो है लेकिन अभी तक पाया नहीं गया है क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से किसी को लेकर या अपने व्यक्तिगत के विचारधारा से प्रभावित होता है इसलिए 100% वो वस्तुनिष्ठता को फॉलो नहीं कर सकता। जरूर अपना विचार डालेगा, किसी से खुश है तो उसका प्रशंसा कर देगा, किसी से नाराज है तो उसका इतना बुराई कर देगा कि वो व्यक्ति जमीन में धंस जाएगा। तो इस तरह की बातें होती है इसलिए 100% तो नहीं है लेकिन इतिहास की वस्तुनिष्ठता जरूरी है। इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को लिखने के लिए इतिहास की वस्तुनिष्ठता जरूरी है।
आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर इतिहास क्यों पढ़ते हैं, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। तो इसका सिंपल सा है कि इतिहास से हमें जो है प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास से आपको क्या होता है, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषयों की, आर्थिक पहलुओं की जानकारी होती है, हम इसलिए इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह सवाल होगा कि आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं, तो आपको बताना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिविल सेवक के लिए इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है, एक सिविल सेवक के लिए इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एक सिविल सेवक आपसे पूछा ही जाता है, लगभग क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है कि क्यों जरूरी है। तो बताइएगा कि सर इतिहास में हमें इस बात का बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है कि जिस भी राज्य में एक अच्छा प्रशासक मिल गया, अच्छे प्रशासकों का ग्रुप रहा, वह राज्य बहुत फला फूला, उसका विकास बहुत हुआ। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक संरचना देखेंगे तो आप पाएंगे कि लंबी चौड़ी एक ब्यूरोक्रेसी का वहां पर ढांचा मिलता है, और मौर्य साम्राज्य जितना विकास किया, जिस सीमा को छुआ, इस प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी के ही दम पर छुआ, उसी के आधार पर उसको मजबूती प्राप्त हुई। इसलिए एक सिविल सेवक को इतिहास का अध्ययन जरूर करना चाहिए कि किस प्रकार से अपने राज्य को मजबूती प्रदान करे, किस प्रकार से वह वेलफेयर स्टेट की स्थापना में अपनी सहयोग और भूमिका प्रदान करे, इसलिए इतिहास का अध्ययन जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इतिहास से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न है, इतिहास से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में अंतर को बताइए। बहुत से लोग हैं जो कि नहीं जानते, सबसे बेसिक क्वेश्चन है इतिहास का ये। बहुत से लोग बीए एमए पास कर जाते, कुछ लोगों के सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उनको तीनों में अंतर नहीं पता है कि क्या अंतर होता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, देखिए पहली बात तो यह है कि इतिहास में काल विभाजन के दो मायने हैं। एक है कि कुछ लोग जैसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन काल विभाजन इसलिए किए कि उनको इतिहास में प्रतिशोध उत्पन्न करना था, इतिहास में द्वेष उत्पन्न करना था, भारत के समाज को तोड़ना था, इसलिए वे किए। लेकिन कुछ जगहों पर इतिहास का काल विभाजन जरूरी होता है, पूछा जाएगा क्यों, आप इसको बात कर देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपने अध्ययन की सुविधा के लिए एवं प्रवृत्तियों के एक रूपता के आधार पर कुछ कालखंड को हम एक जगह रख देते हैं ताकि हम उसका अध्ययन अच्छा से कर सकें और उसको पढ़ने में हमें सहूलियत हो, इसीलिए हम इतिहास में काल विभाजन करते हैं, न कि हम समाज में द्वेष उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के द्वारा किया गया है। अब है कि क्या है प्राग ऐतिहासिक, तो बताइएगा कि सर देखिए प्राग ऐतिहासिक वह इतिहास का कालखंड है जिसमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है, जिसमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है, अर्थात जहां पर लिपि का विकास नहीं हुआ है, वह प्राग ऐतिहासिक काल है। फिर है तब आद्य ऐतिहासिक क्या है, फिर इसका एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इसका उदाहरण बताइए। तो स्टोन एज पाषाण काल जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, स्टोन एज। ठीक, दूसरा क्वेश्चन होगा कि आद्य ऐतिहासिक बताइए, तो आद्य ऐतिहासिक वह है जिसमें पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन वह पढ़ी नहीं गई है, इसलिए उसको जो हम आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे कि इसका उदाहरण बताइए, तो इसका उदाहरण है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका सबसे सटीक उदाहरण है। फिर है कि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्यों की प्राप्ति होती है और दोनों का विकास संपूर्ण रूप से होता है, जिसका अध्ययन भी कर लिया गया है, वह कालखंड क्या है। फिर उदाहरण पूछेगा, इसका उदाहरण बताइए, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 600 BC।
600 बीसी जहां से भारत की संपूर्णता के साथ सामाजिक राजनीतिक आर्थिक इतिहास की शुरुआत होती है वो है 600 बीसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यही अंतर है तीनों में, यही बताना है। इतिहास में काल विभाजन का महत्व, तो इतिहास में काल विभाजन का महत्व मैं आपको बताया अभी कि क्यों क्या महत्व है। तो यही है कि इतिहास में अध्ययन की सुविधा के लिए, एक लाइन में बोलना है, अध्ययन की सुविधा के लिए और प्रवृत्तियों के आधार पर कुछ चीजों को एक जगह रखकर उनका अध्ययन करने के लिए हम काल विभाजन करते हैं, उसका महत्व है। अब आपसे एक क्वेश्चन होगा कि इतिहास का कौन सा कालखंड आपको अच्छा लगता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी कालखंड आप उठाकर डाल दीजिएगा, ये इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। किसी को मौर्य काल अच्छा लग सकता है, किसी को मुगल काल अच्छा लग सकता है, किसी को ब्रिटिश काल अच्छा लग सकता है, किसी को औरंगजेब का काल अच्छा लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके तर्क पर, आप कैसा तर्क अपने क्वेश्चन के सपोर्ट में रख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। अगर हमसे पूछा जाए तो मैं बता दूंगा मौर्य काल, क्योंकि मौर्य काल में उस आर्यावर्त की अवधारणा को पूरा किया गया था जिसकी हम कल्पना आज भी करते हैं कि हम उसको प्राप्त कर लें, जिसको मुगल भी चाहकर नहीं प्राप्त कर पाए, जिसको अंग्रेज पाने के लिए तरसते रह गए, उस वैज्ञानिक सीमा को मौर्यों ने छुआ था भारत के, और भारत के आर्यावर्त के जो थ्योरेटिकल चीज थी उसको प्रैक्टिकल में वो अमली जामा पहनाया था, इसलिए हम इसको, इस कालखंड हमें अच्छा लगता है। हो गया इसका, यही इसका जवाब होगा। कोई भी आप उठा लीजिएगा, मैं आपको स्वतंत्र छोड़ रहा हूं, इसमें ये नहीं है, आप औरंगजेब के भी टाइम को अच्छा बता सकते हैं, बशर्ते आप तर्क अच्छा रखिएगा। इतिहास का कौन सा व्यक्तित्व आपको अच्छा लगता है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आप जा रहे हैं तो पूछेगा, अगर जिसका बैकग्राउंड है उनसे तो जरूर पूछेगा अब कि कौन सा व्यक्तित्व आपको अच्छा लगता है। कोई भी, यहां भी आप स्वतंत्र हैं, यहां भी आप स्वतंत्र हैं काल कि कौन सा व्यक्तित्व अच्छा है। कोई अशोक को चुन सकता है, कोई जो है वो मुगल में अकबर को चुन सकता है, एक स्टूडेंट तो मेरे जानने वाला औरंगजेब को चुना और उसने अपना अच्छा तर्क रखा, तो आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए मैं अशोक को आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये बस सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अशोक को चुन लीजिएगा। फिर पूछेगा क्यों अशोक महान है, तो बताइएगा कि सर अमूमन मानवता के इतिहास में अगर देखा जाए, मानव सभ्यता के विकास के समय से देखा जाए, तो हम पाते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति को शक्ति की प्राप्ति होती रहती है, पावर को, उतना ही वो उन्मादी होते जाता है, उतना ही महत्वाकांक्षी होते जाता है और पृथ्वी विजय साम्राज्य विस्तार की तरफ भागता है। जबकि अशोक विश्व का इकलौता ऐसा शासक है जिसकी शक्ति का चरम विकास हुआ और शक्ति की प्राप्ति हुई, शक्ति के प्राप्ति के चरम अवस्था पर वह मानव कल्याण की तरफ मुड़ गया, वहां से वह धम्म विजय की बात शुरू कर दिया, वहां से वह शांति और परस्पर सौहार्द की बात करता है, न कि वहां से वो अगला राज्य जीतने की बात करता है, रक्तपात का त्याग कर दिया और शांति एवं सह अस्तित्व की बात की, उसके लिए वो धम्म नीति लेकर आया। धम्म नीति उसकी एक आचार संहिता थी जो सबके साथ भाईचारा के साथ रहने के लिए वो सबको एक प्रकार का मार्गदर्शन कर रही थी। तो इस तरह से बातें आपको करना होगा कि आपको अशोक क्यों महान है। मैं अशोक सजेस्ट कर रहा हूं, आप अकबर भी चुन सकते हैं, आप जो है किसी को भी चुन सकते हैं, बशर्ते आपका तर्क अच्छा हो। ठीक है, राजपूत काल से लेकर 18th century तक के समय को मध्यकाल क्यों कहा जाता है। देखिए कोई भी काल हो, चाहे मध्यकाल हो चाहे आधुनिक काल हो, काल इसलिए मध्यकाल है क्योंकि उसमें मध्यकाल की विशेषता पाई जाती है, इसलिए आज आधुनिक काल है क्योंकि आधुनिक काल की विशेषता पाई जाती है। तब है कि मध्यकाल की क्या विशेषता है, तो मध्यकाल के संदर्भ में आप बताएंगे कि शासन का जो स्वरूप होगा, जहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, वो जेनेटिक्स होता है, वो कैसा होता है, आनुवांशिक होता है, मध्यकाल में धर्म केंद्र में होता है, आप इसीलिए उसको मध्यकाल कहते हैं क्योंकि वहां पर धर्म केंद्र में होगा और मानवता और मानवीय दृष्टिकोण कहां होगी। देखिए इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ये धर्म हो गया एक केंद्र में होगा मध्यकाल में और मानवता हाशिए पर होगा, यहां पर मानव का वैल्यू नहीं है बल्कि धर्म का होगा और हर कुछ धर्म के अनुसार डिसाइड होगा। जहां धर्म होता है वहां पर आस्था का जन्म होता है, आस्था जहां होते ही वहां पर क्या होता है, अंधविश्वास होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये मध्यकाल को हम मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल में सामंतवादी विचारधारा होती है, सामंतवाद की बोलबाला होता है, इस तरह से हम उसको मध्यकाल कहते हैं। और राजपूत काल से लेकर इस समय तक के काल पर अगर नजर डाला जाए तो आप पाएंगे
कि निश्चित रूप से इस सब विशेषताएं जो भी मैं बताया ये पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में एक सिंपल सा छोटा सा अंतर है कि उपनिवेशवाद में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक सब पर नियंत्रण रखा जाता है, यहां तक कि वहां पर जनसंख्या का कंट्रोल किया जाता है, लेकिन साम्राज्यवाद में जनसंख्या का कंट्रोल नहीं किया जाता, केवल आर्थिक और प्रशासनिक साम्राज्य राजनीतिक नियंत्रण ही रखा जाता है। साम्राज्यवाद नजदीक से नियंत्रण रखा जाता है साम्राज्यवाद में, जबकि उपनिवेशवाद में सुदूर नियंत्रण संभव है। तो यही दो महत्वपूर्ण इसका अंतर है। आपको यही बताना होगा कि यहां पर सांस्कृतिक और जनसंख्या नियंत्रण दोनों बातों को शामिल किया जाता है, यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक, फिर है कि 18वीं शताब्दी के बाद के समय को आधुनिक काल क्यों कहा जाता है। तो वही आ गया कि यह मध्यकाल है तो फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल की क्या प्रवृत्ति है, आधुनिकता होगी, आधुनिकता से मतलब है कि शासन व्यवस्था आधुनिक प्रणाली पर आधारित होगा, जहां पर समानता होगा, स्वतंत्रता होगा, न्याय की बात होगी, जहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, जहां पर बुद्धिवाद हावी होगा, जहां पर मानवता हावी होगा और धर्म हाशिए पर होगा, हर कुछ मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाएगा, मानवतावाद के अनुसार देखा जाएगा, न कि धर्म के अनुसार देखा जाएगा। इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। और इस सब विशेषताएं हमारे यहां 18वीं शताब्दी के बाद के समय में दिखाई देती है, इसलिए हम इसको आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, फिर है कि आपके अनुसार मध्यकाल का सबसे अच्छा शासक कौन है। तो निश्चित रूप से सबसे अच्छा शासक पर आपको चुनना होगा कि कौन है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अमूमन लोग अकबर को चुनते हैं, आप भी अकबर को ही चुन लीजिएगा, आप लोग भी, सिंपल सा है कि अकबर महान है इसलिए हम उसको चुनते हैं। क्यों महान है, क्योंकि वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया, प्रशासन में कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है, सुलह एक कुल की उसकी नीति थी, सबका साथ सबका विकास का अगर आप जड़ देखेंगे तो अकबर की नीतियों में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके कई उदार चरित्र हैं और उस उदारता के आधार पर या साम्राज्य विस्तार के आधार पर या फिर जो समन्वय करने का है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो समन्वय किया, उस समन्वय करने के स्तर पर अकबर की महानता प्रकट होती है। अकबर वही है जब मध्यकाल में, जिस टाइम में अकबर भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच अच्छा समन्वय स्थापित कर ले गया, उसी टाइम में यूरोप धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ रहा था, धर्म के आधार पर वहां पर गृह युद्ध चल रहे थे, धर्म के आधार पर धर्म युद्ध चल रहा था, उस समय भारत में वो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित कर ले गया, इसलिए वह महान है। ठीक है, तो हम मध्यकाल का सबसे अच्छा शासक किसको मानते हैं, अकबर को मानते हैं। अकबर के विषय में कुछ जो मैं तर्क बताया इसी को आप लोग रख दीजिएगा। ठीक है, फिर है क्या आज नए तरीके से इतिहास लेखन की जरूरत है। देखिए, ये बहुत ज्वलंत क्वेश्चन है, हो सके आपसे मिल जाए, क्योंकि इतिहास पर बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है इस समय, मीडिया में बना हुआ है नए तरीका से इतिहास को देखने का। लेकिन जिस तरह से मीडिया में डिबेट चल रहा है उस अप्रोच के साथ आपको बायस्ड नहीं होना है, आपको सिविल एस्पिरेंट वाला अप्रोच रखना है। आपसे भी पूछा जाएगा कि क्या आज नए तरीके से इतिहास लेखन की जरूरत है, तो बताइएगा एकदम एग्जैक्टली जरूरत है सर। ठीक है, फिर पूछेगा क्यों, तो ये नहीं बताना है कि अकबर ने ये किया, बाबर ने वो किया, औरंगजेब ने वो किया, वो नहीं बताना है, सीधा बताना है कि हिस्ट्री एक डायनामिक सब्जेक्ट है सर, हिस्ट्री एक बहुत ही बड़े डायनेमिक सब्जेक्ट है, और जब तक डायनेमिक है क्यों है, क्योंकि उसमें रिसर्च का हमेशा स्कोप बना रहता है, नए नए तथ्यों और फैक्ट्रियों को, नए नए अप्रोच को उसमें समाहित करने का हमेशा स्कोप बना रहता है। और जब हम नए तरीके से इतिहास को देखेंगे, नए तरीका से खोजेंगे, उसको लिखेंगे, तो हमें कई अन्य पहलुओं पर नए तरीका से हमें अप्रोच मिलेगा, नए फैक्ट मिलेंगे, नए विचारधारा मिलेगी, और इसके आधार पर हम और सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और अपने समाज की मजबूती को प्रदान कर सकते हैं, समाज की मजबूती को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए
आज भी नए तरीके से इतिहास लेखन करने की जरूरत है। बस ये बताना है, ये नहीं बताना है कि अकबर ने ये किया था, औरंगजेब ने ये किया था, उसने मंदिर तोड़ा, उसने मस्जिद तोड़ा, इसलिए जरूरत है। ये आपको इस लफड़ा में नहीं पड़ना है। आप सिविल के एस्पिरेंट हैं, आप एकदम से तटस्थ हैं, इसलिए इस अप्रोच को अपनाइएगा कि हिस्ट्री एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और यहां पर नए रिसर्च का हमेशा स्कोप बना रहता है। इस नए रिसर्च के आधार पर नए इतिहास का फिर से हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं, इसलिए जरूरत है। ठीक है, अब देखिए फिर आ गया अशोक और अकबर में कौन महान है। तो निश्चित रूप से अशोक और अकबर में दोनों महान हैं। बस दृष्टिकोण आपका क्या है, तर्क आपके पास क्या है, आप क्या सोचते हैं। दोनों का मैं महानता बता दिया हूं, उसी को यहां पर किसी एक को चुन लीजिएगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि डरने की जरूरत नहीं है, जो पूछता है एग्जामिनर वो जानता है कि किसी एक को चुनेगा, उसके पक्ष में तर्क देगा। इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि मैं अकबर चुनूं या मैं और अशोक चुनूं, किसी को भी आप चुन सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, क्या मौर्योत्तर युग अंधकार का युग है? देखिए यहां पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या मौर्योत्तर युग अंधकार का युग है। मैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन उठाया हूं जहां से डिबेट है, जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार विलियम स्मिथ है, वही बोलता है कि मौर्योत्तर युग अंधकार का युग है। लेकिन कहिएगा सर नहीं, अगर देखा जाए तो मौर्योत्तर काल में भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विकास जितना हुआ वो किसी काल में नहीं हुआ। महायान धर्म का विकास हुआ बौद्ध धर्म में, संस्कृत भाषा का विकास हुआ, कनिष्क के टाइम में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, भारत से बाहर बौद्ध साम्राज्य बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आप जानते हैं कि सिल्क रूट पे जितना अच्छे तरीके से पकड़ कनिष्क के समय में था, मौर्योत्तर युग में था, किसी में नहीं हुआ। मौर्योत्तर युग धर्म सहिष्णुता का युग है। कनिष्क का परिवार लीजिए या सातवाहन लीजिए या शुंग लीजिए, सब लोगों ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया है, जितने भी मौर्योत्तर युग के शासक हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यह युग अंधकार का युग नहीं बल्कि प्रकाश का युग है। भारत के इतिहास का गौरवशाली कालखंड है यह, जहां पर भारत का बहुत अच्छा विकास हुआ था। जब ये वही कालखंड है जबकि हमारा व्यापार प्लस में चल रहा था, सिल्क रूट पे हमारी पकड़ थी, आर्थिक रूप से हमारी पकड़ थी। हाँ, राजनीतिक रूप से थोड़ा सा विखंडित अवस्थाएं दिखता है, इसका मतलब यह नहीं है कि अंधकार का युग था। हर राज्य अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए तत्पर था, उसका विस्तार के लिए तत्पर था, वो निष्क्रियता के दौर में नहीं था, इसलिए यह अंधकार का युग नहीं है। ठीक है, फिर है कि भारतीय नारी आंदोलन और पश्चिमी नारी आंदोलन में क्या अंतर है। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक लाइन में इसका जवाब होगा। जब समाज सुधार आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है तो यहां से पूछा जा सकता है कि भारतीय नारी आंदोलन और पश्चिमी नारी आंदोलन में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे सिंपल अंतर है कि जो भारतीय महिला आंदोलन हुआ, जो भारतीय नारी मुक्ति आंदोलन हुआ, वो आंदोलन भारत में पुरुषों के द्वारा शुरू किया गया, महिलाओं के मुक्ति के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। लेकिन पश्चिमी नारी आंदोलन जो हुआ वो महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया और महिला अपने सशक्तिकरण के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। ये दोनों में अंतर है। हमारे यहां पुरुष के द्वारा महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी गई, शुरुआत किया गया, उनके हक की सुरक्षा की बात की गई, लेकिन वेस्टर्न में उल्टा हुआ, महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये इसका बेसिक अंतर है, और ये अगर आप बता देंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। फिर है कि गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन है। तो गुप्त काल का जो सबसे पेट क्वेश्चन है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है कि क्या गुप्त काल स्वर्ण काल था। वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्या गुप्त काल स्वर्ण युग था या गुप्तों का काल स्वर्ण युग था आप मानते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। देखिए गुप्त काल एक स्वर्ण युग का काल है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं।
लेकिन जहां तक स्वर्णकाल का कॉन्सेप्ट है, एक यूटोपिया उदाहरणा है, यह जमीनी हकीकत नहीं है, चाहे किसी का भी काल हो। यहां पर एक कल्पना के आधार पर मान लिया जाता है कि स्वर्णकाल, स्वर्णकाल से मतलब है कि हर प्रकार की वहां पे समृद्धि होगी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन गुप्त काल में अगर हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में, समाज के हर पहलू में सोना बरस रहा था, हर जगह अच्छाई ही अच्छाई थी, ऐसा नहीं है। हाँ, राजनीतिक रूप से एक केंद्रीय सरकार की स्थापना हुई, ठीक है, एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई, राजनीतिक विकास हुआ। मौर्योत्तर के बाद से गुप्तों के ही द्वारा पहली बार पुनः मौर्यों के बाद से एक सत्ता की, केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई। साहित्य का बहुत विकास हुआ, साहित्य के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, और कुछ हद तक आर्थिक विकास भी पर्याप्त था। इसका मतलब यह है कि भारत में एक अच्छा दौर था, सुनहरा दौर था। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये जो गुप्तकाल की अच्छाइयां हैं वो समाज के सवर्ण वर्गों के लिए, समाज के उच्च वर्गों के लिए केवल है। समाज के जो दबे कुचले थे, जो समाज के निचले तबके पर पायदान पर व्यक्ति था, उसके लिए इसका कोई विशेष लाभ नहीं था। अगर महिलाओं की स्थिति लिया जाए तो आप पाएंगे कि यहीं पर भानुगुप्त के अभिलेख में हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। पहली बार अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के अभिलेख में। यह दर्शाता है कि यह बुराई थी, यह भी दर्शाता है कि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। इन्हीं के समय में हूणों का आक्रमण हुआ, गुप्तों के ही टाइम में, और समाज का जो सामान्य वर्ग था वो जो है काफी परेशानी के दौर से गुजर रहा था। इन्हीं के समय में ह्वेनसांग फाहियान आया और बोलता है कि कौड़ियों में लेन देन होता है, कौड़ियों में लेन देन। कौड़ी एक छोटी मुद्रा थी, इसका मतलब यह था कि बड़े मुद्राओं का यहां पर प्रसार नहीं था, अभाव था। इसलिए हम कहेंगे कि जो स्वर्ण काल है वो कुछ लोगों के लिए, शासक वर्ग या समाज के उच्च वर्ग के लिए है, जबकि जनसामान्य का वर्ग एक संघर्ष का जीवन जी रहा था। इसलिए हम इसको 100% स्वर्ण काल नहीं कह सकते। शॉर्ट में आपको इतना ही बताना होगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता ने गुप्तों को बढ़ावा दिया, गुप्त ने राष्ट्रीयता को नहीं। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, ये इतिहास लेखन का मूलतः क्वेश्चन है। जब भारत में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन किया जा रहा था और भारत के मूल्यों और उपलब्धियों को साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा नीचा करके दिखाया जा रहा था, उसको उसकी अवहेलना किया जा रहा था, तो प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने पुराने उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उसमें इन लोगों ने गुप्तों को एक राष्ट्रीय शासक बना दिया, ठीक है। और यह स्टेटमेंट जो है डीडी कौशाम्बी इसी हिसाब से दिए भी हैं। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीयता ने गुप्तों को बढ़ावा दिया। दरअसल जब राष्ट्रीयता के भावना से उत्प्रोत होकर जब इतिहासकार इतिहास लिखा तो गुप्तों का खूब वर्णन किया, खूब प्रशंसा किया गया। कुछ सच्चाई था, कुछ हकीकत और कुछ फसाना, दोनों बातें थी, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, तो यही यहां पे पूछा जा रहा है। तो बताइएगा कि सर, ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की प्रतिक्रिया में आया, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का परिणाम है कि राष्ट्रीयता के भावना से वो लोग उत्प्रेरित थे, उससे लवरेज थे, और वे लोग जो है यही चाह रहे थे कि हम अपने उपलब्धि को इतना बढ़ा कर दिखाएं कि अंग्रेजों के द्वारा जो बातें कही जा रही है वो दब जाए। इसी के आधार पर गुप्त जो है काफी हाई प्राप्त कर लिए, काफी वे अपने आवश्यकता से अधिक जो है प्रशंसा प्राप्त कर ले गए। ये उसी का परिणाम है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, उपयोगितावाद क्या है। क्वेश्चन है अगला, उपयोगितावाद क्या है। देखिए, उपयोगितावाद एक विचारधारा है, आप जानते होंगे। इस विचारधारा को देने वाला मिल है जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, बाद में बेंथम जुड़े, इससे कई अन्य भी लोग जुड़े रहे। उपयोगितावाद जो है कहता है कि अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख होनी चाहिए। दरअसल अंग्रेज कहते थे कि हमारी शासन व्यवस्था उपयोगितावाद के अनुसार संचालित होती है।
जबकि ऐसा नहीं था। तो एक टर्म है ये उपयोगितावाद, ये अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख की बात करता है, ये कहीं भी लगाया जा सकता है, अर्थव्यवस्था में, प्रशासन में, राजनीति में, ठीक है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने में, ये कहीं पर भी इसकी बात की जा सकती है। तो ये था उपयोगितावाद। आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ इसके विद्वान का नाम बता दिए, तो एक तो जेएस मिल है, अभी मैं बताया जॉन स्टुअर्ट मिल, और दूसरा है जर्मी बेंथम, ये उपयोगितावादी विचारक हैं, विद्वान हैं, ठीक। फिर है क्वेश्चन कि आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, कि आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है। देखिए आप भी विवाद में मत फंसिएगा, आप सीधे बता दीजिएगा कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए अंग्रेजों के बीच में ही दो धड़ा बन गया था, दो वर्ग बन गया था, और एक वर्ग कहता था कि भारत में जो शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो और विषय वस्तु हो और जो भाषा हो, वो दोनों प्राच्य में हो, वो प्राच्य यानी कि पूर्वी भाषा में हो, यानी कि अरबी या संस्कृत या उर्दू में हो या हिंदी में हो, ठीक है, इस प्रकार के प्राच्य लैंग्वेज की वकालत करता था। दूसरा वर्ग था वो कहता था कि विषय वस्तु से लेकर लैंग्वेज तक दोनों आंग्ल भाषा में हो, अंग्रेजी में हो, यही विवाद है, इसी को हम आंग्ल प्राच्य विवाद के नाम से जानते हैं। आंग्ल भाषा के जो समर्थक था उसका नाम है मैकाले, जिसको बेंटिंक का समर्थन प्राप्त था। अंततः इस युद्ध जो है विवाद में जीत हुआ, जिसकी विजय हुई वो आंग्ल भाषा वादियों की हुई। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें अंततः विजय किसकी हुई, एक बार पूछा भी जा चुका है, तो जो हुआ वो आंग्ल वादियों का हुआ, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसका एक ट्रिक होता है इंटरव्यू में, कि आप क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट वहीं ले जाकर गिराएं जहां आपके अनुसार क्वेश्चन उठे। आप चाहें कि यही आंग्ल प्राच्य में वहीं पर हमें रुक जाना है जहां से हमारे अनुसार क्वेश्चन उठ जाए और मैं अगला क्वेश्चन भी बता ले जाऊं, ताकि उनका क्रॉस क्वेश्चन हमेशा अपने अनुसार उठे। अच्छा स्टूडेंट वही होता है, अच्छा इंटरव्यूअर वही होता है जो अपने अनुसार क्वेश्चन का एग्जामिनर से क्वेश्चन उठवा लेता है। इस अप्रोच को आपको बिल्डअप करना होगा। मैं लगातार वहीं पर ले जाकर रोक रहा हूं जहां से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन का प्रकार आ गया। तीसरा प्रकार है कि परिकल्पनात्मक क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। इसका स्कोप कम है, मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इस समय ट्रेंड चल चुका है परिकल्पनात्मक क्वेश्चन पूछे जाने का, आपसे भी पूछा जा सकता है। हालांकि सबसे अच्छा जवाब यही होगा, अगर कुछ ना आए तो बता देना कि सर इतिहास में इस बात का बहुत कम स्कोप है कि तुम होती तो ऐसा होता। इतिहास में दरअसल हम लोग तुम होती तो ऐसा होता इसका अध्ययन ही नहीं करते। इतिहास तो उसका अध्ययन है जो घटना घट गया उसी का हम विश्लेषण करते हैं, उसी का हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण होगा जहां पर आप फंसते हुए नजर आएंगे, लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में हमेशा यही होता है कि कुछ न कुछ जवाब दे ही दिया जाता है, आपके पास इतना तर्क होता है। पहला क्वेश्चन है, क्या महाभारत जनजातीय समाज को दर्शाता है? क्या महाभारत जनजातीय समाज को दर्शाता है? तो निश्चित रूप से दर्शाता है। देखिए जनजातीय समाज की एक विशेषता है कि महिलाओं का वहां पे महत्व होता है, सशक्तिकरण होता है, पुरुष महिला भेद नहीं होता है। यहां पर विद्रोपति, कुंती, गांधारी महिला सशक्तिकरण के प्रतीक हैं। गांधारी की एक नाराजगी से पूरा का पूरा जहां पर द्रोणाचार्य से लेकर भीष्म पितामह तक शांत थे, सब लोग हिल गए थे, और जब कहती है कि मैं अपने ही पुत्रों को श्राप दे दूंगी। उसी बात द्रौपदी, द्रौपदी क्या है, द्रौपदी भी एक महिला सशक्तिकरण के प्रतीक है, तो वहां पर द्रौपदी का भी बहुत चला, कुंती का चला। इस तरह से यहां पे आप कहेंगे कि सर जनजातीय समाज को यह दर्शाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि अगर आपको इतिहास के किसी घटना को मिटाने के लिए कहा जाए तो आप किस घटना को मिटाना चाहेंगे? अगर इतिहास में आपसे ये कहा जाए कि किस घटना को आप मिटाना चाहेंगे, बहुत से ऐसे घटनाक्रम हैं जिसको आप मिटाना चाहेंगे, ठीक है। तो आपसे एक तो बताना ही पड़ेगा, तो आप कोई भी चुन सकते हैं। आपके सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे
मैं एक दो चार उदाहरण बता दे रहा हूं आपको, आपको चुनना होगा तो आप चुन ले सकते हैं कि जैसे असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था जब, तो वहां पर धरासणा कांड हुआ था, तो आप बोल सकते हैं कि सर धरासणा कांड को मैं दोबारा नहीं पढ़ना चाहता। क्यों पूछेगा? क्योंकि वहां पर महिला अत्याचार और मानवीय अत्याचार का चरम जो है प्रदर्शन हुआ था। वहां पे एक महिला के ऊपर, सरोजनी नायडू के ऊपर लाठी में लोहे का बट लगा हुआ था, उससे प्रहार किया गया था। जब भी मैं पढ़ता हूं तो मेरी आत्मा और रूह कांप जाती है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा, आप गांधी के कहेंगे कि सर मैं गांधी के हत्या को मैं हटाना चाहता हूं, क्योंकि जब जब मैं पढ़ता हूं कि गांधी जी की हत्या असामयिक हो गई, तब तक मेरे आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। अगर गांधी जी शायद जिंदा रहते तो उनके मार्गदर्शन से, उनके ज्ञान से भारत बहुत लाभान्वित हो सकता था, भारत के इतिहास कुछ और भी हो सकता था, इसलिए मैं उसको भी मिटाना चाहूंगा। कई ऐसे उदाहरण है। आप मेवाड़ का जो अकबर के द्वारा हत्याकांड करवाया गया था, आप कह सकते हैं 1568 में जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके खुलेआम नरसंहार का वहां पे आदेश दे दिया गया था, और लगभग 30,000 लोग गाजर मूली की तरह काट दिए गए थे, जो मानव के इतिहास का एक शर्मनाक घटना है, आप उसको भी दिखा सकते हैं। तो आपके सामने बहुत से उदाहरण हैं जिसमें बता सकते हैं कि सर मैं इस घटना को मिटाना चाहूंगा। फिर एक क्वेश्चन है कि महाभारत में कर्ण महान था या अर्जुन। देखिए, आपसे तो पूछा जा सकता है, झारखंड में जनजातीय समाज से संबंधित क्वेश्चन हाइपोथेटिकल पूछे जा सकते हैं, तो दोनों में से किसी को आप महान बता सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि भारत में जो मूल्यांकन होता है महानता का, वो धरती विजय का नहीं होता है। कौन व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए कितना योगदान दिया, मानव के कल्याण के लिए कितना योगदान दिया, उसके आधार पर भारत में हमेशा मूल्यांकन होता है। भारत में कभी भी इस तरह से मूल्यांकन नहीं होता है कि आप कितने सिकंदर की तरह कितने हम धरती जीत ले गए, कितने क्षेत्रों पर हमारा आक्रमण रहा, कितने लोगों का हम नरसंहार किए। हमारे यहां ऐसे लोग कभी महान नहीं होते हैं। हमारे यहां तो एक छोटा सा भी राजा भी महान हो जाता है अगर उसने त्याग किया है समाज के लिए। हमारे यहां सीवी का आप कहानी सुने होंगे, एक राजा सीवी हुआ करते थे, वे इसीलिए महान है क्योंकि उन्होंने एक आए हुए अपने शरण में पक्षी का रक्षा किया था, शरणार्थी धर्म का केवल पालन किए थे, उसके बाद से उनको हम महान राजा के कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारे यहां महानता का एक क्राइटेरिया है, जब भी आप जवाब देंगे तो इस क्राइटेरिया को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर जो आपसे पूछा जा सकता है जहां पे, वो है जेपीएससी साक्षात्कार का झारखंड से संबंधित क्वेश्चन। झारखंड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, झारखंड के संबंधित जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि आपसे दो ही सवाल, या तो सामान्य क्वेश्चन या झारखंड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो झारखंड का क्वेश्चन जो हो सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन विथ एंसर इसका जो मैं डिस्कशन करूंगा अगले सेशन में इसके करूंगा। आज का पार्ट वन है और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो पार्ट टू होगा। ठीक है, जो झारखंड से संबंधित स्पेशल, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। जेपीएससी साक्षात्कार से संबंधित जो झारखंड का स्पेशल क्वेश्चन है, जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन का स्वरूप, यहां पर एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि जनजातीय आंदोलन का स्वरूप बताइए, उसमें बिरसा मुंडा आंदोलन का भी स्वरूप शामिल है। फिर होगा कि क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन धार्मिक था या आर्थिक पहलुओं से जुड़ा हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह से क्या लीडरशिप की सीख मिलती है, मतलब यह है कि नेतृत्व करने की आपको क्या सीख मिलती है संथाल विद्रोह से। फिर है कि सरना धर्म क्या है, इसके मूल तत्व बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सरना धर्म तो 100% पूछा जाएगा, 10 में से कम जाएंगे इंटरव्यू देने एक स्लॉट में, तो 10 में से मिनिमम 5 लोगों से पूछा जाएगा। सरना धर्म में ईसाई धर्म का प्रवेश का मतलब क्या है, मतलब यह है कि सरना धर्म में जो बाहरी लोग आए और प्रवेश किए और जिस तरह से इस धर्म में थोड़ा सा भटकाव आया, उससे संबंधित क्वेश्चन होगा। खुटकटी प्रथा क्या है, क्या यह संविधान का उल्लंघन करता है, खुटकटी प्रथा क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है कि अच्छा बताएं कि सदान कौन है, आप सदान है क्या,
सदान, दिकू और जो वहां के मूल निवासी हैं, इन सब में आपको अंतर जानना पड़ेगा, जरूरी है। ठीक है, सदान और मूल वासियों में क्या अंतर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है, झारखंड में बार बार विद्रोह क्यों होता रहा? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर है, ताना भगतों के बारे में बताएं, ताना भगत कौन थे, ताना भगत विद्रोह का स्वरूप बताइए, गांधी जी को ताना भगत क्यों पसंद थे, या ये भी होगा कि गांधीवादी आंदोलन में ताना भगतों का जो है योगदान बताइए। ठीक है, जो कुछ इन्होंने आर्थिक और राजनैतिक रूप से गांधीवादी आंदोलन को सपोर्ट किया था, इसी आधार पर पूछा जा सकता है। झारखंड देखिए, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल है। दरअसल यहां पे ये क्वेश्चन है कि झारखंड अलग संबंधी नहीं है, ये है कि अलग झारखंड संबंधी जो आंदोलन हुआ था, अलग झारखंड संबंधी आंदोलन को बताएं, जो अलग राज्य के लेकर झारखंड का मुक्ति आंदोलन जो हुआ था उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे संबंधित जो व्यक्तित्व है वो पूछा जाएगा, उजयपाल सिंह से लेकर और आपको शिबू सोरेन तक का थोड़ा व्यक्तित्व जानना पड़ेगा, इसको तैयार करिएगा। फिर है कि शिबू सोरेन का योगदान बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा आपको पता है, मतलब यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा क्या था और आज क्या है, क्या जिस एजेंडा को लेकर वह चला था वो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उससे भटक गया है, यहां से आपको तुलनात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये था आपका जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उसको बता दें। अब एक आपको अप्रोच दे देता हूं मैं, अप्रोच ये है कि सामान्य, चूंकि सामान्य ज्ञान का वहां पर परीक्षा हुआ है तो सामान्यतया ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका सबसे अच्छा है कि जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां पे 40-50 क्वेश्चन का हम लोग कलेक्शन किए हैं, नेक्स्ट सेशन में हम झारखंड से संबंधित कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे और उस पर हम आपसे विथ एंसर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें तैयारी का, इंटरव्यू के साक्षात्कार का क्या अप्रोच होना चाहिए, खास करके हिस्ट्री संबंधी, तो हिस्ट्री में देखिए आपसे फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यू फैक्ट का होता भी नहीं है, वहां पर कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जहां डिबेट का, जहां पे कुछ विश्लेषण का स्कोप बचता हो, ठीक है, वहां पे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता नहीं पाया था उसको मैं बता दे रहा हूं, वो ये है इतिहास का परिभाषा, इतिहास का ठीक है, इतिहास की परिभाषा, ये भी एक जान लीजिए, आपसे पहला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ये पूछे जा सकते हैं। तो इतिहास के डिफिनेशन में अगर आप जाते हैं तो इतिहास के कई डिफिनेशन है, एक दो आपको जानना चाहिए, जैसे ईएच कार खुद एक पुस्तक लिखा हुआ है जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, क्या व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, एक बहुत बड़ा इतिहासकार है ईएच कार, वही लिखता है। तो इतिहास कहता है वो कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच होने वाले एक परस्पर संवाद का नाम है, हिस्ट्री इज द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, इतिहास क्या है, पास्ट और प्रेजेंट, अतीत और वर्तमान के बीच होने वाले परस्पर डायलॉग संवाद का नाम है, जिसके आधार पर हम एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं, जिसके आधार पर हम एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं, वो इतिहास है। ठीक है, वही इतिहास, एक सिंपल इसका परिभाषा है। मार्क्स कहता है कि इतिहास कंटिन्यूटी, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी, लगातारता का, कंटिन्यूटी का अध्ययन है, जो कंटिन्यूटी बना हुआ है जहां से पिछले कालखंड से लेकर आज के कालखंड के बीच में, उसके बीच में जो समन्वय स्थापित है, जो कंटिन्यूटी है, उसका नाम इतिहास है। एक इतिहासकार है वो कहता है कि ऑल हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ थॉट, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, जहां पर विचारों का महत्व है, जहां से विचारों को लेकर हम उसका मूल्यांकन करते हैं उस युग के हिसाब से, इतिहास में युगबोध की भी जरूरत होती है, तो उस युग को पकड़कर जब हम उसका अध्ययन करते हैं
तो उसका हम वहां पे विचारों का मूल्यांकन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, वही इतिहास है। इतिहास को कुछ लोग कहते हैं कि इति माने इतिहास मीन्स कहानी माने बीती हुई कहानी है, ऐसा नहीं है। आप बताएंगे कि सर इतिहास के कई डिफिनेशन है। हाँ कहानी है, हिस्ट्री इज द स्टोरी बट विथ मैसेज। इतिहास कहानी है लेकिन वह कहानी जो मैसेज देती हो, और उस मैसेज में मानवीयता का, कल्याण का, मानव के दृष्टिकोण का, मानव के विकास का मैसेज सूचना छुपा हुआ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि अशोक के समय अशोक ने धम्म नीति लेकर आया, तो अशोक की धम्म नीति क्यों आई ये महत्वपूर्ण है, यही मैसेज है। इतिहास में एक कहानी है कि अशोक धम्म नीति लेकर आए, लेकिन ये कहानी में मैसेज छुपा हो कि क्यों लेकर आया, तो ये जो क्यों है वही मैसेज है, वही आपको विश्लेषण करने के लिए स्कोप देता है। तो क्यों लेकर आया, क्योंकि वो जानता था कि इतने बड़े साम्राज्य पर हम शासन कर रहे हैं, उस टाइम में कर रहे हैं जहां पर कोई कम्युनिकेशन का, यातायात का बढ़िया साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में यहां से लेकर कंधार, पटना से लेकर बंगाल से लेकर कंधार तक के क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण केवल तलवार के दम पे नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम विभिन्न नस्ल एवं जाति एवं धर्मों के बीच में एक अच्छा सौहार्द बना पाए, उनके बीच में भाईचारा स्थापित कर सके, उनके बीच में एकता की भाव बना सके, उनके बीच में राष्ट्रीयता की भावना भर सके, इसके लिए हमें इस धम्म नीति का प्रयोग करना चाहिए। और उसने एक आचार संहिता के तौर पर इसको स्थापित किया। दरअसल धम्म नीति उसकी लोगों को, जनसंख्या को मैनेज करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए वह लाया गया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तनाव क्या था, तो उस समय भी तनाव था, जितना आज तनाव है उससे ज्यादा तनाव था अशोक के टाइम में। अशोक के टाइम में हिंदू, बौद्ध और जैन के बीच में तनाव था। आज किसके बीच में है, तो आज हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के बीच में तनाव है। उसी प्रकार से वो तनाव को, टेंशन मैनेज करने के लिए वो धम्म नीति लेकर आया था। ये इतिहास का डिफिनेशन है कि हिस्ट्री इज द स्टोरी विथ मैसेज। ठीक है, तो ये है कुछ। आप लोग हमेशा वहां पर क्वेश्चन तैयार करिएगा जहां पर विश्लेषण का स्कोप है, जहां पर आलोचनात्मक मूल्यांकन का स्कोप होता है इतिहास में, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा दिया हूं जो नेशनल हिस्ट्री का है। रीजनल हिस्ट्री में झारखंड का इतिहास हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे विथ आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।